अर्थशास्त्र और सामाजिक अध्ययन की प्रस्तुति IPO. IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। लिमिटेड कंपनियों द्वारा ये IPO इसलिए जारी किया जाता है जिससे वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सके। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद शेयर बाजार में हो सकेगी। IPO में जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। IPO ज्यादातर छोटी नई कंपनियों दोबारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी चाहती हैं, पर यह बड़ी निजी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं जो सार्वजनिक बाजार में कारोबार करना चाहती हैं वो करती हैं। आमतौर पर एक बड़े IPO की हामीदारी निवेश बैंकों के किसी संगठन सिंडिकेट के द्वारा की जाती है जिसका नेतृत्व एक या अधिक बड़े निवेश बैंक कर रहे होते हैं। शेयरों की बिक्री पर हामीदारों को आड़त कमीशन मिलती है जो बेचे गए शेयरों के मूल्य पर आधारित होती है। आमतौर पर प्रमुख हामीदार यानी वह हामीदार जिन्होंने IPO के सबसे बड़े हिस्से बेचे हैं सबसे ज्यादा कमीशन पाते हैं, कुछ मामलों में 8% तक। जब किसी कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह IPO जारी करती है। ये IPO कंपनी उस वक्त भी जारी कर सकती है जब उसके पास धन की कमी हो, वह बाजार से कर्ज लेने के बजाय IPO से पैसा जुटाना ज्यादा बेहतर समझती है। यह किसी भी कंपनी की विस्तार योजना होती है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी अपने शेयरों को अन्य योजनाओं में लगा सकती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया IPO लाने वाली कंपनियों के लिए एक सरकारी रेगुलेटरी है। यह IPO लाने वाली कंपनियों से नियमों का सख्ती से पालन करवाती है। कंपनी हर तरह की जानकारी सेबी को देने के लिए बाध्य होती है। IPO के माध्यम से जुटाई गई धनराशि सामान्य रूप से कंपनी के विस्तार, उसके तकनीकी विकास, नई संपत्ति खरीदने हेतु, कर्जे समाप्त करने हेतु इत्यादि के लिए उपयोग में लाई जाती है। IPO में निवेश एक अच्छा विचार है, लेकिन हर एक IPO में निवेश एक नहीं हो सकता है। आखिरकार हर एक IPO का कोर्स अलग है। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश एक सुविधाजनक मंच प्रस्तुत करती है, खासकर शुरुआती निवेशकों के लिए। यह उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वे बाजार में संभव दरों पर प्रवेश कर सकें। धन्यवाद।